रुद्रप्रयाग जनपद के दो दिवसीय भ्रमण पर आए राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने ग्राम पंचायत हाट बुटूल गढ़तरा और गौरीकुंड गांव में ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ जनसंवाद और बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। अध्यक्ष संजय नेगी ने जनसंवाद कार्यक्रम में ओबीसी वर्ग के लोगों को आश्वस्त किया कि ओबीसी प्रमाण पत्र के अंदर गंसाई गुंसाई और गोस्वामी जैसे उपनामों के पंजीकरण में तकनीकी समस्या देखी गई है, जिसके लिए इसकी जांच की जाएगी और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई गई हैं, उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए सरकार द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसके लिए उन्होंने संचालित योजनाओं का लाभ लेने को कहा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। चारों गांव कल से हम लगातार हाट गांव से लेकर के और गढ़तला और बुटोल गांव से चौथा ये गौरीकुंड में गौरीगांव की मीटिंग थी। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो अपने ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर आई है, जिसमें गोसाई गुसाई में जो कागजों में कुछ थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ रही है, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे। मैंने यहाँ से भी लिख के लिया है, प्रतिनिधि लिख के दिया है कि हम उसकी आयोग में भी एक पत्र बना करके जिलाधिकारी से इसमें आख्या मंगवा करके और आयोग में इसमें जो भी समस्याएं जो दिक्कत होगी उसको दूर करेंगे, शासन को भेजेंगे। शासन स्तर के शासन को भेजेंगे, हमको लगता है कि हम ही कर सकते हैं, तो हम उसमें निश्चित तौर पर आने वाले बहुत जल्दी ही उसमें कुछ निर्णय लेंगे। और हमने प्रशासन को भी कहा, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब सब यहाँ आए हुए थे, हमने कहा कि जो छोटी से आप समस्या है उनको आप उनको दूर करने की कोशिश करो। बाकी यहाँ पर अन्य सड़क की समस्या है, कहीं अपने पानी की समस्याएं थी, जैसे नीचे की तरफ लोगों की समस्या थी, कई प्रकार की समस्याएं थी, तो हमने कल भी यहाँ से मौके पर से ही डीएम साहब से बात करी है, उनको भी हमने कई समस्याएँ बताई हैं, जिसमें उन्होंने डीएम साहब ने बिल्कुल वीडियो को कह करके दो दिन में एस्टिमेट जमा करने के लिए पुल और सड़कों के पेयजल लाइनों के तत्कालिक जैसे एस्टिमेट जमा होंगे त्वरित इसमें स्वीकृति मिल जाएगी। तो छोटे मोटे काम हमने डीएम साहब को कहे वो भी कर रहे हैं, बाकी शासन स्तर के काम मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे, शासन को भेजेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ की जो समस्या है उन पर कार्रवाई होगी। आने वाले समय में ओबीसी जो वर्ग है उसके भी यहाँ पर कैंप लगाने वाले हैं।